नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लव मैरिज के योग कैसे कुंडली में देखे जाते हैं और कैसी कुंडली हो तो लव मैरिज के योग बनते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको 3 नियम जान लेने जरूरी है। सबसे पहला नियम यह है कि अगर फर्स्ट हाउस का 7th हाउस के साथ संबंध हो रहा है तो नेटिव को आकर्षण के कारण लव मैरिज होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस और 7th हाउस, ये दोनों का एक दूसरे से संबंध है, तो वो लव मैरिज अवश्य अट्रैक्शन के कारण करेगा। सेकंड नंबर के नियम अनुसार अगर 5th हाउस और 7th हाउस का एक दूसरे के साथ संबंध है तो फीलिंग्स के थ्रू लव मैरिज होगा। जैसे कि यहाँ आपको कुंडली में दिख रहा है कि ये 5th हाउस है और ये 7th हाउस, अगर ये दोनों का संबंध होगा तो फीलिंग्स के कारण लव मैरिज होगा। थर्ड नंबर के नियम अनुसार 7th हाउस और 11th हाउस का एक दूसरे के साथ संबंध हो तो कोई भी लाभ के कारण लव मैरिज होने के योग बनेंगे। ये है यहाँ कुंडली में 7th हाउस और ये 11th हाउस, अगर ये दोनों के योग होते हैं तो लाभ के कारण कोई भी नेटिव लव मैरिज करेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल कुंडली में देखेंगी कि यहाँ 1-7, 5-7 और 7-11 में से कौन सा संबंध हो रहा है। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाउस वो शनि का हाउस है और शनि की राशि मकर, यहाँ पे स्वक्षेत्री राशि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, और 7th हाउस चंद्र का है यानी कि यहाँ पे कर्क राशि है। तो यहाँ का चंद्र वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ पे हम देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे हो रही है, यानी कि एक साथ का सीधा संबंध यहाँ पे होने के कारण नेटिव अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से लव मैरिज करेगा। जैसे कि सेकंड नियम के अनुसार 5-7 का संबंध यहाँ पे हो नहीं रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पे वृषभ की राशि है और चंद्र, उस दोनों का संबंध यहाँ पे हो नहीं रहा है, इसलिए ये तो आएगा नहीं। थर्ड नंबर के नियम अनुसार 7-11 का संबंध, जैसे कि यहाँ पे 7th नंबर हाउस चंद्र की राशि है और 11th हाउस में मंगल की राशि है और वहाँ राहु है, तो राहु की सीधी दृष्टि चंद्र के ऊपर है जो 5th दृष्टि यहाँ पे हो रही है, जिसके कारण लाभ के अंतर्गत भी ये संबंध हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो नियम यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं, फर्स्ट नंबर का और 3rd नंबर का, तो दोनों नियम के अनुसार यहाँ लव मैरिज होने के योग बन रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 8th हाउस का स्वामी जो सूर्य है और सूर्य 12th हाउस में है और वो भी बुध के साथ है, तो यहाँ पे एक योग बन रहा है जिसका नाम है विमल योग। इसके कारण नेटिव को भौतिक लाभ, संपत्ति और सब कुछ लव मैरिज से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करने का मत भूलिएगा। जल्दी ही हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे और ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से हो रहा है। थैंक यू वेरी मच टू माय शांतिलाल गुरुजी।